सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिलते रहे नए अपडेट्स हमारे नेक्स्ट वीडियो की। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में और साथ ही हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर के क्लासिफिकेशन क्या है। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो है वो 6 कैटेगरी में है, यानी कि देयर आर 6 क्लासेस ऑफ फायर। उसमें आता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास एफ। तो चलिए जानते हैं इसे संक्षिप्त में। अब ये जो 6 क्लासेस ऑफ फायर है ये डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, इसके ऊपर इसकी कैटेगराइज की गई है। तो चलिए जानते हैं कि क्लास ए फायर में क्या आता है। तो क्लास ए फायर में आता है कंबस्टेबल मटेरियल, यानी कि जलने वाली चीज, जिसे हम सॉलिड फायर भी कह सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि वुड हो गया, पेपर हो गया, रबर हो गया, इसको अगर आग लगती है तो वो क्लास ए फायर है। चलिए अब देखते हैं कि क्लास बी फायर में क्या आता है। तो क्लास बी फायर में आता है फ्लेमेबल लिक्विड, यानी कि ऐसा लिक्विड जो ज्वलनशील हो। जैसे एग्जांपल है पेट्रोल, डीजल, पेंट, इसको अगर मान लो आग लगती है तो वो क्लास बी फायर में आती है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्लास सी फायर क्या है। तो क्लास सी फायर में आता है फ्लेमेबल गैसेस, यानी कि जलने वाली गैसेस, यानी कि जो भी गैसेस जो जलती है वो क्लास सी फायर में आती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस जलती है, ब्यूटेन गैस जलती है, मीथेन गैस जलती है, इसको अगर मान लो आग लगती है तो वो क्लास सी फायर में आती है। चलिए अब जानते हैं कि क्लास डी फायर में क्या आता है। क्लास डी फायर में आता है कंबस्टेबल मेटल्स। अब जो भी मेटल है जिसको आग लग सकती है वो कैटेगरीज क्लास डी में आती है। जैसे कि आपको पता है कुछ केमिकल्स है जिसको आग लग सकती है, जैसे कि मैग्नीशियम, उस मेटल को अगर मान लो आग लगती है, एल्यूमिनियम को आग लगती है, पोटेशियम को आग लगती है, इसको अगर मान लो आग लगती है तो वो क्लास डी फायर में आती है। अब देखते हैं कि क्लास ई फायर क्या है। तो क्लास ई फायर में आता है इलेक्ट्रिकल फायर्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और उसमें अगर मान लो कि जो पावर है वो चालू कंडीशन में है, उस दौरान अगर आग लगती है तो वो क्लास ई फायर कैटेगरी में आती है। एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गया, जनरेटर्स हो गया, ये जो है ये इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई से चलते हैं। अगर मान लो वो पावर सप्लाई में कुछ करंट लीकेज हो जाता है जिसके द्वारा फायर क्रिएट होती है तो वो इस कैटेगरी में आता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिकल पावर कंडीशंस में अगर मान लो इलेक्ट्रिकल एटम हम रिमूव ही कर दे तो उसका जो फायर क्लास है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि जो कंप्यूटर है उसको हमने पावर सप्लाई दिया लेकिन वो पावर सप्लाई कट ऑफ कर दिया, बाद में उसे अगर मान लो आग लगती है तो उसका जो फायर का जो क्लास है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर देखते हैं कि क्लास एफ फायर क्या है। तो क्लास एफ फायर में आता है कुकिंग ऑयल्स। एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि किचन फायर, जब भी आपके किचन को अगर मान लो आग लगती है तो वो क्लास एफ फायर कैटेगरी में आती है। तो इस प्रकार हमने फायर के जो है वो 6 क्लासेस देखे हैं एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वहां पर शुरू में फायर के जो है वो 4 क्लासेस ही आते थे, वो यानी कि क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। और फिर बाद में उसमें और एक क्लास ऐड हो गया जो था क्लास ए फायर। यानी कि अब हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड में टोटल 5 टाइप के फायर क्लासेस होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर के कितने टाइप्स होते हैं। खास तौर से अगर देखा जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर के 5 मेन टाइप होते हैं। उसमें आता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, थर्ड आता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, फोर्थ आता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और फिफ्थ में आता है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके भी डिफरेंट वर्जन्स आते हैं। यानी कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के भी डिफरेंट दो जो है वो डिफरेंट वर्जन है, वो है वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर और दूसरा है वाटर स्प्रे एक्सटिंग्विशर। लेकिन ये जो दोनों है वो वाटर की ही फॉर्म है, इसलिए उसको एक ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और एक फायर एक्सटिंग्विशर है जिसका नाम है ड्राई पाउडर, उसके भी डिफरेंट वर्जन है। एक है ड्राई पाउडर स्टैंडर्ड एक्सटिंग्विशर और दूसरा है ड्राई पाउडर स्पेशलिस्ट एक्सटिंग्विशर। अब ये दोनों जो डिफरेंट वर्जन है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ड्राई पाउडर में, इसलिए इसको एक ही कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फायर एक्सटिंग्विशर के जो सब वर्जन है उसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो टोटल 8 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हो जाते हैं।
लेकिन अगर हम मेन फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो उसके टोटल 5 टाइप है। आपको और एक बात ध्यान में रखनी है कि ऐसा कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है कि जो सभी क्लासेस ऑफ फायर पर चल सकेगा। चलिए अब संक्षिप्त में जानते हैं कि ये जो 5 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास ए फायर के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर वाटर लिखा हुआ रहेगा, और दूसरी बात उसका जो लेबल कलर रहेगा वो रहेगा ब्राइट रेड। इसकी वजह से आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो खास तौर से ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, इसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का हमें कहां पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आइए उसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर मान लो आग लगती है तो उसके ऊपर आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। किचन को अगर मान लो आग लगती है तो वहां पर भी आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्लेमेबल गैस या फिर जो लिक्विड है उसके ऊपर अगर मान लो आग लगती है वहां पर भी आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फोम टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो ज्यादातर यूज होता है क्लास बी फायर के ऊपर, लेकिन उसका इस्तेमाल क्लास ए फायर पर भी कर सकते हैं क्योंकि वो वाटर बेस है। फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे पहचानेंगे? तो उसका जो लेबलिंग कलर है वो रहता है क्रीम कलर का, और उसके ऊपर फोम लिखा हुआ रहता है, तो हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को खास तौर से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे कि पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुडन हो गया, इसके ऊपर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो फ्लेमेबल लिक्विड है जैसे कि पेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, उसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहां पर नहीं करना चाहिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो किचन टाइप की जो फायर होती है उसके ऊपर आपको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर मान लो आग लगती है तो उसके ऊपर भी आपको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। और मान लो मेटल को अगर आग लगती है तो उसके ऊपर भी आपको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं हमारे थर्ड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जिसका नाम है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम DCPP कहते हैं, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी फायर जो है उसके ऊपर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम उसको ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो अब हम ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानेंगे कि उसके ऊपर पाउडर जो वर्ड है वो लिखा हुआ रहता है और उसका जो लेबलिंग कलर है वो ब्लू कलर का रहता है, जिसकी वजह से हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का जो इस्तेमाल है वो आप ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है जैसे कि पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, इसके ऊपर तो कर सकते हो, साथ ही साथ जो फ्लेमेबल लिक्विड है जैसे कि पेंट, पेट्रोल, इसके ऊपर भी कर सकते हो, और उसके साथ ही फ्लेमेबल जो गैसेस है जैसे कि LPG गैस है, एसिटिलीन गैस है, उसके ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कहां पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जो कुकिंग ऑयल है उसके ऊपर अगर मान लो आग लगती है तो वहां पर आपको ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। 1000 वोल्ट के ऊपर वाले जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको अगर मान लो आग लगती है वहां पर भी आपको DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो CO2 टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो खास तौर से जो इलेक्ट्रिकल टाइप की जो फायर होती है उसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर सर्वर जो रूम होती है उसके बाहर ज्यादातर हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। अब हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानेंगे? तो वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके ऊपर CO2 लिखा हुआ रहेगा और साथ ही में उसका जो लेबलिंग कलर है वो ब्लैक रहेगा, उसकी वजह से हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहां पर करना चाहिए। तो फ्लेमेबल जो लिक्विड है जैसे कि पेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, इसको अगर आग लगती है तो आप CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर मान लो आग लगती है तो वहां पर भी आप CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहां पर नहीं करना चाहिए। खास तौर से जो किचन फायर होती है उसके ऊपर आपको CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। कंबस्टेबल मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया या फिर टेक्सटाइल हो गया,
उसके ऊपर आपको CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्लेमेबल जो मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसको अगर मान लो आग लगती है तो वहां पर भी आपको CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं हमारे पांचवे टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जिसका नाम है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर को क्लास एफ फायर के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कुकिंग ऑयल्स और फैट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसको अगर मान लो आग लगती है तब वहां पर वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हम पहचानेंगे कैसे? तो उस फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर वेट केमिकल लिखा हुआ रहेगा और साथ ही में उसका जो लेबलिंग कलर है वो येलो रहेगा, उसकी वजह से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? जैसे कि कुकिंग ऑयल और फैट को आग लगती है तो उसके ऊपर हमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हमें कहां पर नहीं करना चाहिए। जैसे कि फ्लेमेबल लिक्विड और फ्लेमेबल गैस जो फायर होती है उसके ऊपर हमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर अगर मान लो आग लगती है तो वहां पर भी हमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। और साथ ही में जो फ्लेमेबल मेटल्स है उसके ऊपर भी हमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फायर और टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पता चल गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।